बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लेटेस्ट न्यू वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ बेबीज़ गर्ल के नेक के डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जो कि बैक साइड के नेक के डिज़ाइन होंगे और डिफरेंट टाइप्स के फ्रॉक के ऊपर आप लोग लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। बच्चियों के फ़्रॉक में ये वाली डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़्यादा चलती है और इसके डिज़ाइन जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, वो बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। डिफरेंट टाइप्स की, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लेसिस का इस्तेमाल किया गया है, डोरी का इस्तेमाल किया गया है, इसके अलावा बटन्स के साथ और फ्रिल वगैरह आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये भी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की, इसमें वो नेट की जो लेस वगैरह होती है वो इस्तेमाल की गई है, बटन का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इससे आप लोगों की फ़्रॉक जो है वो बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। स्पेशली ये वाले डिज़ाइन जो है वो 1 से 5 ईयर्स की बच्चियों को अच्छे लगते हैं। इससे बड़ी जो बच्चियाँ होती हैं उनके लिए आप लोग बैक साइड के डिज़ाइन ना ही बनाएं तो अच्छा है, क्योंकि बैक साइड के डिज़ाइन बड़ी बच्चियों को अच्छे नहीं लगते, छोटी बच्चियों के लिए बहुत ही प्यारे लगते हैं, जो 1 से 5 ईयर्स की बच्चियाँ होती हैं। जैसे कि ये आप लोग डिज़ाइन देख सकते हैं, क्रिस क्रॉस में ये वाला डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत लगता है। ये भी डिज़ाइन बहुत प्यारा है, बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइनिंग में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और वीडियो को पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स की डिज़ाइनिंग के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, और भी फ्रॉक के डिज़ाइन आप लोगों को मिल जाएंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट फैशन की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।